तो धरती आबा की याद आती है। अब जब बात धरती आबा की होगी तो दरअसल जमीन पर किस तरह के आंकड़े अब निकल कर आ रहे हैं, अब जरा उनकी बारी कर उनके बारे में आपको जानकारी दे दी जाए, किस तरीके से वोटिंग ट्रेंड्स जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर लोग वोटिंग करने निकल रहे हैं, और इन सब के बीच यह भी महत्वपूर्ण कि वो कौन सी तस्वीर है जो आज हर मतदाता को देखनी चाहिए, हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए, आवाम को देखनी चाहिए कि किस संघर्ष के साथ लोग वोट करने जाते हैं। मैं फिर आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने आलस्य को त्यागना है, पसीना थोड़ा सा बहाना है और वोट करने जाना है। अब तक मतदान की स्थितियों की थोड़ी बात कर ली जाए, सीधी की स्थिति बात कर ली जाए, 23% से ज्यादा मतदान यहां पर हो चुका है। सीधी की हम बात कर रहे हैं और सीधी को लेकर अभी चर्चा अभी चल रही थी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से अजय प्रताप के आने के बाद, ट्रायंगुलर जैसी स्थितियां यहां बनती नजर आ रही हैं, पर सीधी का वोटर निकल रहा है, वोट कर रहा है। इसके अलावा शेड्यूल की बात कर ली जाए, 24% से ज्यादा वोटिंग, 24.75% वोटिंग यहां पर हो चुकी है। यह जो मुद्दा है, इसी शेड्यूल से अपने जो अजीत जोगी हैं 99 में चुनाव हार चुके हैं, यहां पहाड़ बनाम मैदान यह मामला तेज रहता है। तो शेड्यूल की बात कर ली जाए, 24% से ज्यादा वोटिंग, जबलपुर संस्कारधानी के तौर पर, न्यायधानी के तौर पर आप जानते हैं, 23.24, जबलपुरिया बहुत जज्बाती है। जब पता चला कि भोपाल राजधानी बन जाएगा, दिवाली नहीं मनाई। मंडला की बात कर ली जाए, इसका भी जिक्र हो रहा था, फग्गन सिंह कुलस्ते कद्दावर नेता यहां से मैदान में, 26% से ज्यादा, 26.08% यहां अब तक मतदान हो चुका है। बालाघाट की बात कर ली जाए, 27% तेजी से रफ्तार बालाघाट की बढ़ रही है। यह मतदान के वोटिंग ट्रेंड्स और वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। सूरज चढ़ेगा, परेशान करेगा, इम्तहान लेगा, लेकिन आपको इस इम्तहान में पास होना। छिंदवाड़ा की बात कर ली जाए, 25.12%। छिंदवाड़ा की सीट इस वजह से भी दिलचस्प है कि बीजेपी, जब आयोग ने लिस्ट बनानी शुरू नहीं की थी, तब बीजेपी ने जिन सीटों को पूरे देश में टारगेट पर लिया था, उसमें से एक छिंदवाड़ा सीट भी है। अब तक मतदान का परसेंटेज यहां जान लीजिए, 25.12। अपने कद्दावर राजनीतिक अस्तित्व के लगभग अवसान पर कमलनाथ यहां पर हैं, उनके बेटे मैदान में हैं। पिछले बार का मार्जिन तकरीबन 30,000, नकुलनाथ सबसे कम जीत हासिल करने वाले, यानी जो मतदान जो वोट थे वो सबसे कम जीत का आंकड़ा उनके पास था, और सबसे ज्यादा जीत का जो आंकड़ा था वो राकेश सिंह के पास था, उदय प्रताप सिंह के पास था। रिकॉर्ड मतदान था ये पूरे देश के लिहाज से। ये हमने आपको बताया वोटिंग परसेंटेज, आगे भी वोटिंग परसेंटेज हम आपको बताएंगे, अलग अलग तरीके से समझाएंगे। क्यों समझाएंगे? क्योंकि आपको जाना है, मतदान करना है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है। छिंदवाड़ा में 11 बजे तक की वोटिंग, 25.12%, बालाघाट में 11 बजे तक 27% से ज्यादा, सायरन बज गया। सीधी में 11 बजे तक 23.57%, मंडला में 11 बजे तक 26.08% वोटिंग, शेड्यूल में 11 बजे तक 24.75% वोटिंग। एक तरफ सेल्फी चल रही है, देखते रहना, चल वोटर सेल्फी ले ले रहे, और ना सिर्फ ले बल्कि हमें भेज। छिंदवाड़ा में 11 बजे तक 25.12% वोटिंग। तो एक सरसरी नजर देखिए आप, जहां सीधी, शेड्यूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, तमाम जगहों की बात की जा रही है और वोटिंग परसेंटेज भी आपको बताया जा रहा है, और वोटिंग के साथ साथ आपको अपनी सेल्फी भी भेजना है। तो ध्यान रखिएगा, वोट देने जाना है, सेल्फी लेना है। हम ब्रेक से लौट रहे हैं अभी। अच्छी जॉब के लिए जो टीम है वो मौजूद है, और पल पल की खबर, चाहे छोटी घटना हो, बड़ी घटना हो, या फिर मतदान केंद्र की किसी भी तरह के बाधा हो, या फिर अच्छे जो वोटर्स हैं, तमाम तस्वीरें हम आम जनता तक, हमारे अपने जो दर्शक है उस तक पहुंचाते रहेंगे। जी नमस्कार, सत्ता के महासंग्राम में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। आज दिन भर ये महा और मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगी और पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। कहां कितने वोटर्स पहुंच रहे हैं, वोटरों में कितना उत्साह है, हर तस्वीर आप तक दिखाएंगे। पहले चरण में वोटर्स कब से पहुंच रहे हैं वोटिंग सेंटर, पोलिंग बूथ जाकर वोटर क्या कह रहे हैं, ये सारी चीजें आपको दिखाएंगे, और साथ ही मेरे सहयोगी इलेक्शन सेंटर से भी आपको तमाम अपडेट देंगे। दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है, और आज 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, और हमारा उन सभी सीटों के साथ साथ फोकस होगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उन 7 सीटों पर जहां की
पहले चरण की वोटिंग होनी है और इन सीटों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, एक्सपर्ट से भी बातचीत करेंगे और लगातार स्टूडियो से भी अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, और आशीष त्रिपाठी मेरे सहयोगी को आप सुन रहे थे जो सीधे इलेक्शन सेंटर से जुड़ेंगे और आप तक हर चीज पहुंचाएंगे, समीकरण, राजनीतिक समीकरण पहुंचाएंगे कि कहां पर किस तरह की लड़ाई रही है, कहां पर कितने वोट डाले गए हैं, तमाम ऐसी चीजें। तो शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज होगी और 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। एमपी की 6 सीटों पर मतदान होने हैं तो छत्तीसगढ़ की एक सीट जो कि बस्तर की है उस पर आज। मध्य प्रदेश की बात करें तो सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में आज वोटिंग होगी। तो ये मेगा कवरेज पहले चरण को लेकर, जहां आज देश भर की बात करें तो 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर 7 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे, जिनमें की मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज वोटर्स मतदान केंद्र पहुंचेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही वोट डालेंगे। मध्य प्रदेश की सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा आज यहां पर वोट डाले जाने हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की एक सीट जो कि बस्तर है, काफी दिलचस्प मुकाबला इन सीटों पर देखने को मिलेगा। कई बड़े चेहरे जिनकी साख दांव पर होगी और आज वोटर डिसाइड करेंगे कि आखिर वो किसे चुन रहे हैं। तो पहला चरण है और पहले चरण की शुरुआत कुछ ही समय बाद होगी, जब वोटर मतदान केंद्र पहुंचेंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और वोट डालेंगे। कहां कितने प्रतिशत मतदान हो रहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे रिपोर्टर्स जो तमाम अन्य जगहों से जुड़ेंगे हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से, उन रिपोर्टर्स से भी आपका रूबरू कराएंगे हम और सुनाएंगे कि आखिर अभी मौजूदा समय में ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीर है। तो ये तमाम चीजें, ये मेगा कवरेज, आप कहीं मत जाइएगा। लगातार आज के दिन न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूरे दिन आप देखिए और हर तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाएंगे, नंबर वन चैनल, और लगातार हम आपको हर तस्वीर दिखाते रहेंगे। 21 राज्यों की 102 सीटों पर भी क्या हलचल है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों का भी अपडेट आपको देंगे और साथ ही छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक सीट पर क्योंकि वोटिंग होगी इसके लिए भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। हालांकि पिछले एक हफ्ते से सजा हुआ है, आज इसके भगवान आप हैं। तस्वीरें देखिए, दिव्य मंच है, ये तीर है, साइकिल है, पंजा है, खिलता हुआ कमल है। तीर बहुत ट्विस्टेड हो जाता है पर ये है सियासत का, ये भी एक सच है। तो लगातार हर तस्वीर इस महामंच के जरिए, इस महानेटवर्क के जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें हैं, वो चुनाव की तस्वीरें हैं, वो नेताओं के बयान हैं, वो किस तरीके से वोटर पहुंच रहा है उसकी हम लगातार बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 आगाज इसे वोटर के लिहाज से माना जा सकता है, राजनीतिक पार्टियों के लिहाज से आगाज इसका पहले ही हो चुका है। आज पहले चरण के तहत 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। हम आपको दिग्गजों के मतदान की 8 तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरह से वो पहुंचे और सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया है। दिग्गजों की तस्वीर आपको दिखाएंगे। नागपुर में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, 7 सीट 70 और इस वक्त बज गया जानकारी का सायरन। सीधी और मंडला तमाम जगहों पर वोटिंग परसेंटेज क्या है, जबलपुर में 11 बजे तक 23% से ज्यादा वोटिंग, छिंदवाड़ा में 11 बजे तक 25% से ज्यादा वोटिंग, बालाघाट में 11 बजे तक 27% वोटिंग, तेजी से बढ़ रहा है बालाघाट। सीधी में 11 बजे तक की बात कर ली जाए
23.57% सेल्फी लेते रहना है, हमको भेजते रहना है। इलेक्शन ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर छिंदवाड़ा में 11 बजे तक 25.12% वोटिंग, बालाघाट में 11 बजे तक 27% वोटिंग। तो रेणु तेजी से बढ़ रही है वोटिंग की रफ्तार। बिल्कुल, और ये रफ्तार बहुत तेजी से और भी बढ़ेगी ललित, क्योंकि हम देख पा रहे थे जो पोलिंग बूथ है उनके बाहर एक लंबी श्रृंखला देखी जा रही है, चाहे वो महिला वोटर हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे दिव्यांगजन हो और चाहे वो पुरुष मतदाता हो, सभी लाइन से। और सबसे बड़ी बात की जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनके लिए बड़े उत्साह की बात है, वो भी अपने सारे काम छोड़कर लंबी लाइनों में लगे हुए हैं और कई सारे मुद्दे उनके जहन में हैं, क्योंकि सबसे पहली बात रोजगार नौकरी उसकी तलाश युवा कर रहा है और इसके लिए उनके लिए ऐसा माना जा रहा है कि मतदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब कुछ और अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे मोहन भागवत पहुंचे अपने मताधिकार का प्रयोग करने। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जिस दौरान पहुंचे हुए थे और उन्होंने वोट किया, साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भी भजन लाल शर्मा पहुंचे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के। और इस तरीके से एक लंबी फहरिस्त, जितने बड़े दिग्गज हैं ललित, वो सभी सारे काम छोड़कर पहले अपना मतदान करने पहुंचे और उसके बाद दूसरे काम पर व्यस्त हुए हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें, आरएसएस प्रमुख भजन लाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश रजनीकांत थलाइवा, वो भी पहुंचे हैं, अपना वोट कास्ट उन्होंने कर दिया है। और अन्नामलाई बीजेपी नेता वो पहुंचे हुए हैं, पी चिदंबरम कांग्रेस के नेता, इनके बेटे चुनावी मैदान में हैं, स्टालिन अपने बयानों को लेकर विवाद में रहे वो पहुंचे हुए हैं, सर्बानंद सोनोवाल। तो इसी तरह से अलग अलग तस्वीरें लीजिए, पांच और तस्वीरें आपके सामने देखिए, जहां पर उत्तराखंड के सीएम भी पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं बीरेंद्र सिंह, और जहां आप देखेंगे केंद्रीय मंत्री भी सबसे पहले अर्जुन राम मेघवाल, जब उन्होंने आह्वान भी किया कि सभी ज्यादा से ज्यादा वोट दें और कुछ परंपरा को निभाते हुए भी नजर आए थे। मंत्री राजवर्धन राठौड़ जो राजस्थान से मंत्री हैं वो भी पहुंचे थे, और गौरव गोगोई कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने सभी से अपील की है कि बढ़ चढ़कर मतदान करें और एक सही सरकार को चुने। और अब आप ये देखिए कि सुकमा में लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह, और उत्साह का नजारा भी आपको दिखा दें, लोग 10 किलोमीटर पैदल चलकर भी वोट देने के लिए जा रहे हैं, तेज धूप में छोटे बच्चों को कंधे पर लेकर लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं, और ये नक्सल प्रभावित इलाका है लेकिन बिना डर के लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और कुछ देर पहले हमने आपको वो भी तस्वीर दिखाई थी जब नदी को पार करके भी लोग पहुंच रहे थे मतदान करने के लिए, और कितना कठिनाइयों भरा ये रास्ता होगा उनके लिए क्योंकि सड़क सही नहीं है, ऊपर चिलचिलाती धूप है, तेज गर्म हवा है, मासूम बच्चे कंधे पर हैं और उसके बावजूद किलोमीटर, न जाने कितने किलोमीटर का सफर तय करके पहुंच रहे हैं, 10 किलोमीटर, और हो सकता है कि इससे ज्यादा भी हो। नक्सल प्रभावित इलाका है, कोई डर नहीं है क्योंकि सुनिश्चित किया गया है कि आप वोट डालने जाएं, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। लोकसभा चुनाव के आज मतदान शुरू हो गए हैं लगभग, और सुकमा जिले के ऐसे कई मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया गया है, नक्सल प्रभावित इलाका है जिसके मद्देनजर जो है मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया गया है। ये ग्रामीण जो है गोंदीगुड़ा के रहने वाले हैं, गोंदीगुड़ा गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर कैलापाल जहां पर मतदान केंद्र शिफ्ट किया गया है, लोग जो है अपने छोटे से बच्चे को लेकर मतदान करने के लिए कैलापाल की ओर आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ में दादा, क्या नाम है आपका? बीमा। कौन सा गाँव है? गोंदीगुड़ा। कितना दूर वोट करने जा रहे हो? 10 किलोमीटर होता है। 10 किलोमीटर होता है जी। तो पैदल आ रहे हो? पैदल ही। छोटा सा बच्चा कंधे में? जी कंधे में। पैदल आ रहे हो? पैदल ही आ रहे हो। क्या वोट देने, क्या होगा वोट देने से? जी रोड भी नहीं है ना सर। रोड नहीं है जी। रोड के लिए जा रहे हो वोट देने? जी। अच्छा, तो और भी ग्रामीण आ रहे हैं? जी। तो बीच में नाला भी है क्या? उस साइड नाला है सर। उस साइड नाला है जी, इस साइड गाँव। ये ग्रामीण है जो 10 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ मतदान करने के लिए आ रहे हैं कि मतदान करेंगे, सरकारें बनेगी और गांव तक सड़कें या विकास कार्य पहुंचेंगे। सतीश चांडक, न्यूज 18 सुकमा। और ये एक और तस्वीर देखिए, जहां कहीं ना कहीं जान को जोखिम में डालकर भी मतदाता इतना जागरूक है कि पहुंच रहा है मतदान करने के लिए। सड़क नहीं है, पुल नहीं है, पुलिया नहीं है, और आप देखेंगे कि
आधी कच्ची नदी कह सकते हैं, नहर कह सकते हैं, नाला कह सकते हैं, समझ से परे है, लेकिन हाँ रास्ता बहुत कठिन है और यहाँ से निकलकर जाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मतदाता देखिए कितना जागरूक है, पहुँच रहे मतदान करने के लिए। और ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये उन सभी प्रत्याशी जो प्रत्येक लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, चाहे वो कोई भी दल के नेता हो, उनके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगा आगे चल के कि जिस विश्वास के साथ ये मतदाता आपको वोट करने के लिए पहुंच रहा है और जिसे भी जिता रहा है उसकी अहम जिम्मेदारी हो जाती है कि उन्हें कम से कम सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं मुहैया कराए। आज बस्तर के पहले चरण के मतदान होने हैं, सुबह से मतदान जो है पूरे जिले भर में हो रहा है। इस वक्त हम नक्सल प्रभावित इलाका पोंगा ब्रिज इलाका है और ये ठीक जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाला है, इसको रबड़ी पारा का नाला बोलते हैं। ये नाला जो है बारिश के दिनों में भर जाता है, देख सकते हैं कि किस प्रकार से ट्रैक्टर पर सवार होके मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र के लिए, बड़े मुश्किल के साथ में मतदाता आ रहे हैं। ये दो ट्रैक्टर में सवार है, करीब 15 किलोमीटर का सफर जो है इन्हीं ट्रैक्टर के माध्यम से तय करना पड़ रहा है मतदाताओं को। देख सकते हैं कैसे ट्रैक्टर से जो है ट्रैक्टर पर सवार होकर नाला से पार करते हुए मतदाता जो है पहुंच रहे हैं यहाँ पर, और काफी संख्या में मतदाता हैं, ट्रैक्टर पर सवार हैं, बड़े मुश्किल से मतदाता आ रहे हैं और बोल रहे हैं, स्थानीय भाषा में बोल रहे हैं कि पुल बनाओ, पुलिया बनाओ, स्थानीय भाषा में बोल रहे हैं कि पुल का निर्माण करो, लेकिन इसी उम्मीद के साथ मतदाता मतदान करने के लिए जा रहे हैं। सतीश चाणक, न्यूज 18 सुकमा। जिस मैं ट्रैक्टर में सवार हूँ, ये ट्रैक्टर ठीक केलापाल जहाँ पर मतदान केंद्र है वहाँ से 15 किलोमीटर दूर सिटी, क्या गांव का नाम है, रबड़ी पारा जो कि करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर है। ये घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, यहाँ पर सड़क नहीं है, उस इलाके से ये मतदाता जो है मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में इस ट्रैक्टर पर मतदाता सवार है और ये सुबह घर का काम काज करने के बाद में जो है ये मतदान के लिए रवाना हुआ है। यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर जो है इनका मतदान केंद्र है। क्या नाम है आपका? भीमेश कलम सर। अच्छा, आपको पहली बार वोट दे रहे हो? पहले दे चुके हो? नहीं दे चुका हूँ सर, पहली बार है। नहीं हुआ 18 साल अभी, बस इन लोगों को ले जा रहा हूँ। अच्छा, ले जा रहे हो उन लोग को, अब ड्राइवर हो। दादा आपका क्या नाम है? नाम क्या है? सोमा। वोट देने जा रहे हो? वोट देने जा रहा हूँ। अच्छा, तो यार तुम युवा भी हो, चलो ठीक है, अभी नहीं तो आगे मतदान दो, क्या मुद्दे है गांव के, क्या समस्या है? बहुत समस्या है, लेकिन ये क्या पुल भी है तो पुल भी नहीं बना है, रोड ठीक ठाक नहीं है, आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है भीषण गर्मी के बीच भी मतदान करने के लिए लोग जा रहे हैं और काफी उम्मीद है इन्हें लोकतंत्र से कि मतदान करेंगे तो लोग सरकारें बनेगी तो इन इलाकों में विकास कार्य पहुंचेंगे। सतीश चांडक, न्यूज 18 सुकमा। तो बहुत बेहतरीन तस्वीरें इसी तरह की अलग अलग जगहों से आ रही है, डिंडौरी से भी इस तरह की तस्वीर आई है, मतदान को लेकर उत्साह है और नर्मदा नदी पार कर वोटर्स मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं, सलैया के पोलिंग बूथ तक ये पहुंच रहे हैं, पैदल नदी पार कर रहे हैं, 2 किलोमीटर पैदल चलकर ये पहुंचे हैं। इसे किलोमीटर में आप मत मापिए, उस 2 किलोमीटर की जो यात्रा होती है वो कईयों किलोमीटर की दूभरता लिए हुए होती है। बिल्कुल, और ये देखिए आप कितने मुश्किलें, कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए वोटर्स पहुंच रहे हैं, और चूंकि ऐसे ही कुछ अलग अलग तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई जहां डिंडौरी में मतदान को लेकर उत्साह तो है ही, नर्मदा नदी पार कर वोटर्स पहुंचे मतदान केंद्र, सलैया मतदान केंद्र पहुंच रहे वोटर्स, पैदल नदी पार करने की कोशिश भी, और आप ये देखिए कि तेज अगर बहाव होता है तो जाहिर सी बात है डर का माहौल भी है, 2 किलोमीटर पैदल चलना है, हो सकता है कई लोगों के लिए तो इससे ज्यादा रास्ता भी तय करना पड़ेगा, मुश्किलों भरा रास्ता तय करना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है कि मतदाता सिर्फ एक छोटी सी आस है कि उनको सड़क मिल जाए, पुल पुलिया मिल जाए, और अगर वो भी पूरी नहीं कर पाते हैं प्रत्याशी या जिसे वो चुनते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक विश्वास टूटता हुआ नजर आता है, तो उस विश्वास को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप जरूरी काम तो जरूर करें। और अब एक बार फिर तेजी से आपको बता दें 11 बजे तक के किस तरह से वोटिंग के परसेंटेज निकल कर आए हैं और ज्यादा रफ्तार कहां आपको लाने की जरूरत है, 11 बजे तक की बात कर ली जाए, ओवरऑल बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में 30.46% और 11 बजे तक छत्तीसगढ़ में 28.12% मतदान हुआ है, सायरन बज गया है। तो आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आपको बता दें 30.46% वोटिंग यहां पर हो चुकी है, यानी कि 30% से ज्यादा
मतदाता पहुंच चुका है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और छत्तीसगढ़ की बात, जहां पर 11 बजे तक 28.12% मतदान हुआ है और अभी भी यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मतदान केंद्रों के बाहर लाइन बहुत लंबी है, हर वर्ग का वोटर पहुंचा हुआ है मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बंपर वोटिंग की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं, आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। 23% से ज्यादा मध्य प्रदेश में और 28% से ज्यादा छत्तीसगढ़ में मतदान हुआ। और सीधे रुख करेंगे दंतेवाड़ा से, दिनेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या नई तस्वीर इस वक्त दंतेवाड़ा से? जी हाँ, मैं बता दूं, लोकतंत्र के पर्व में शरीक होने के लिए यहाँ सुबह 7 बजे से ही मतदाता अब पहुंच रहे हैं। मतदाताओं की कतार लंबी लगी हुई थी। अभी ये गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में भी मतदाता लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। इस वक्त में दंतेवाड़ा के गीदम व्यापारिक नगरी के संगवारी बूथ में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि महिलाओं की भी भीड़ लगी हुई है और मतदान चालू है। और यहाँ पर कुछ हमारे युवक साथी भी हैं, उनसे बात करेंगे कि इस लोकतंत्र के पर्व पे वो किस तरह से देखते हैं और उन्होंने किस मुद्दे पे वोट दिया। आप बताएं कि आपने किस मुद्दे पे वोट दिया है? हमने देश के विकास हेतु अपना बहुमत मतलब मतदान किया है। और जहाँ तक मेरा जानना है कि हमें हमेशा देश के लिए ही मतलब मतदान करना चाहिए ताकि हम अच्छा और विकासशील बन सके। तो आपने देखा कि नवयुवक, तो इन्होंने भी मतदान किया है और चिलचिलाती धूप है और निरंतर यहाँ पर मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करने पहुँच रहे हैं इस लोकतंत्र के पर्व को सफल बनाने के लिए। जी दिनेश, गर्मी के हिसाब से व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है ताकि मतदाता को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो? हाँ, मैं बता दूं कि गर्मी के लिए यहाँ पर्याप्त इंतजाम किए हुए हैं। यहाँ टेंट की भी व्यवस्था है और पानी की व्यवस्था है और यहाँ पर जो विकलांग दिव्यांग है उनके लिए ट्राइसिकल की व्यवस्था है। कुल मिला के यह व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है और सभी व्यवस्था यहाँ पर पर्याप्त निर्वाचन आयोग के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। तो लगातार ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और बेहद खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मेहमानों को थोड़ा इंतजार भी करना पड़ रहा है क्योंकि अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं और जलसा ही दरअसल इतना बड़ा है। नितिन जी लगातार बने हुए हैं। नितिन जी, एक बात, धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा था, कांग्रेस ने इसे कैसे देखा? हमने कैंपेनिंग कवासी लखमा की देखी है, सरसों की बोतल लेकर, सरसों के तेल की बोतल लेकर उन्होंने कोशिश भी की महंगाई के मुद्दे को लेकर। आप कैसे देख रहे हैं धर्मांतरण की बात की जाए तो? है ललित जी, आप छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, मैं आपको जानता हूं काफी अच्छे से, आप काफी सीनियर हैं और काफी एनालिसिस करते हैं। धर्मांतरण के नाम पर राम रहीम, गंगा मैया, गौ माता, ये सब जब चुनाव आते हैं तब इनके पास यही मुद्दे होते हैं, जरूरी मुद्दों पर ये बात नहीं करते। बस्तर में धर्मांतरण की यदि ये बात करें तो इतना बढ़िया कानून बना हुआ है कि जबरिया धर्मांतरण यदि कोई करवाए या प्रलोभन देके यदि कोई धर्मांतरण करवाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसी कोई सूचना मिलती है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों को तुरंत थाने में FIR करनी चाहिए, पर ये वो नहीं करते। इन्होंने वहां पर दंगे फसाद करवाने के काम किए, साल भर पहले की बात है। और इनके जिलाध्यक्ष और इनके बीजेपी के 3 नेता इस दंगे फसाद में धर्मांतरण के नाम से जो दंगे हुए थे उसमें आरोप में जेल भी गए थे। तो धर्मांतरण वहां पे कोई मुद्दा नहीं है। जबकि मैं कहूं कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आप डाटा उठाकर देख लीजिए कि सबसे ज्यादा चर्च जो है वो उन्हीं के शासन काल में बने। और धर्मांतरण तो आपके मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में भी मैंने बीच में घटना सुनी थी, धर्मांतरण का जो मुद्दा है ये पूरे देश में, तो देश में जब 10 साल इतनी सरकार इन्होंने चलाई, बड़ी बड़ी बात की मोदी जी ने, तो कोई और बेहतर और कठोर कानून बना देना था, हम तो समर्थन करते। अभी तो बड़े बड़े नारे इनके चल रहे हैं कि 400 पार, 500 पार, 600 पार, ये तो 700 पार भी बोल सकते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। तो अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की सीटें भी ले आएंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी नितिन जी, तो जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे उस समय बोला जा रहा था एक भी धर्मांतरण नहीं है। बीजेपी की सरकार आई, आए दिन घर वापसी करवाई जा रही थी। मैंने आपको एक बात कही,
कि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, संविधान के जो नियम है, कानून है हमारी डेमोक्रेसी में, कोई व्यक्ति अपने स्वविवेक से यदि कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है, पर यदि जबरिया धर्मांतरण या प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाया जाता है तो ये कानून के दायरे में आता है और ये नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कहीं हो रहा है या ऐसी कहीं कोई सूचना मिली है तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने इस पे कठोर कार्रवाइयां की है। और केंद्र में अभी तक तो मोदी जी की सरकार थी, अब नहीं रहने वाली है, हम ये वादा करते हैं कि इस विषय पर कड़े कानून बनाएंगे। जी जी धवले साहब, अब नहीं रहने वाली सरकार, आपका क्विक रिएक्शन फिर सवाल। निश्चित रूप से मुझे लगता है जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गई है और क्या मुद्दे थे, एक तो वो जो लॉटरी वाला सट्टे वाला जो मुद्दा था, फिर ये धर्मांतरण का बड़ा मुद्दा था, कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में इनकी नाकामियों की वजह से इनकी जो अच्छी खासी सरकार आई थी वो गई थी। लोकतंत्र में जनता के जनादेश को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है ललित जी, और कांग्रेस को आज कांग्रेस की दिक्कत ही यही है कि जनादेश का सम्मान नहीं करते, जनादेश को स्वीकारते नहीं है। वास्तविकता में वो मुद्दे छत्तीसगढ़ में एग्जिस्ट करते थे। रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने जिस प्रकार से एक हवा बनाने की कोशिश की थी कि बदलाव होने जा रहा है, 130 सीटें आ रही है कांग्रेस की और कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आपने देखा 2023 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 163 सीटें 49% का वोट शेयर, ये बहुत अभूतपूर्व होता है। और हमने स्थापित क्या किया था कि एमपी के मन में मोदी है। 2024 का लोकसभा चुनाव भी बहुत ज्यादा डिफरेंस वाला चुनाव नहीं है सर, यही से एक सवाल और आता है एमपी के मन में मोदी। हालांकि हमने सुना प्रधानमंत्री को जब उनका ये कहना था कि सपना आपका होगा संकल्प मेरा होगा, और वो जो संकल्प की बात मोदी की गारंटी की बात की जाती है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर प्रत्याशी उतरा है चुनावी मैदान में और जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, जीत कर आए हैं, सांसद बने हैं, 5 साल सत्ता संभाली उन्होंने, उनकी गारंटी क्यों नहीं है? देखिए निश्चित तौर पे लोकतंत्र में आपको कभी कभी अपना जो नेतृत्व होता है उस पे चुनाव लेके जाना पड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी के पास में जब इतना सक्षम और संकल्पित नेतृत्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 16 अन्य राष्ट्रों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, जब इतना बड़ा ब्रांड एम्बेसडर आपके पास है तो लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए उसी ब्रांड एम्बेसडर का उपयोग किया जाएगा, और चुनाव जीत के जनसेवा और जन कल्याण की राजनीति ही भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे देश में अगर किसी दल ने आंतरिक लोकतंत्र बचा है और जनसेवा की राजनीति करने का मादा है तो उसे भारतीय जनता पार्टी है। तो निश्चित तौर पे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मांगने में हमें कोई गुरेज नहीं है, हमारा नेतृत्व है, हम वोट मांगेंगे। जी नितिन जी मुस्कुरा रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट का एक रिएक्शन लिया जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री के रोशन चेहरे के पीछे सांसदों ने जो अंधेरा फैलाया है उसकी नाराजगी छिपाई जा रही हो। मैं आऊंगा धवले साहब, पहले